चाचा बिलावल बेटा सुनो चाचा सुनो, अमूमन मैं बच्चों की तकरीर सुनता नहीं हूँ। नया 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 क्या नया कर दिया है आपने? अपना नाम बदल के जरदारी से बोटो बन के लीडर बन गया। गधे के ऊपर लकीरें डाल दो ज़ेब्रा नहीं बन जाता। चाचा अंकल ताशा ने आपका कितना मदद किया था? बिलावल पूछो तो सही अपने अब्बा जी से कि जो राव अनवार था जिसने 440 कत्ल किए, इसको किसने ऑर्डर दिया था कत्ल करने के? मेरा चाचा इमरान है। चाचा अपने बाप इकरामुल्ला नियाजी की भी तो तारीफ कराओ। तो आज ये जो कभी नैब के चक्कर लग रहे हैं और वालिद साहब ने आपको भी फंसा दिया है, नाम तो आपका भी आ गया फेक अकाउंट्स में। हुआ खान साहब हुआ। अभी तकरीर की, बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान की असेंबली में अंग्रेजी में तकरीर कर दी। This is not the policy of the Parliament of Pakistan। घबराए वो अंग्रेजी सुन के कि उन्होंने गलत तरफ मुंह करके असेंबली में नमाज पढ़ दी। मेरी ज़बान ना खुलवाए। बेबी बिलावल कह रहा था के इमरान खान को ना इलेक्ट करना कराची के लोगों, वो दूसरा अल्ताफ हुसैन बन जाएगा। इमरान खान मुनाफिकत का सियासत करता है, यू टर्न का सियासत करता है। 5 साल से कह रहे जी यू टर्न करता है इमरान। मैंने तो इसको कभी डिनाई नहीं किया जी। मैं तो कहा कि ये तो बड़ी अकलमंदी की बात है। कोई भी दुनिया में लीडर आज तक आया ही नहीं है जो अपने ऑब्जेक्टिव पे पहुंचने के लिए यू टर्न करे ना। 1 करोड़ बेरोजगारों को नौकरियां देने का वादा किया था। नौकरियां तो क्या देते, ये तो लोगों से रोजगार भी छीन रहे हैं। रोटी कपड़ा मकान तो दूर की बात है, तुम्हारी वजह से तो 16,000 लोग बेचारे खुदकुशी कर बैठे। 10 रुपए की रोटी 15 रुपए का नान, ये है नया पाकिस्तान। वारे इमरान खान। इस तरह की मजीद इंटरेस्टिंग और इंटरटेनिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय जरूर दीजिए।